हाजिर हैं। और आइए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां बागपत में आज से थानों पर किसान तालाबंदी करेंगे। यह ऐलान तालियान खाप मुखिया ने किया है। दरअसल तालियान खाप मुखिया का यह ऐलान उस वक्त सामने आया जब कृषि बिल के विरोध में लोनी बॉर्डर पर कुछ किसान बागपत से धरना देने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही कुछ किसानों को बागपत पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसके बाद जानकारी मिलते ही पीछे ट्रैक्टर में सवार होकर आ रहे तालियान खाप मुखिया सुधीर तालियान कोतवाली पहुंच गए और समर्थकों सहित कोतवाली में डेरा डाल दिया। खाप मुखिया ने कहा वो लोग कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं और लोनी बॉर्डर पर धरना देने के लिए पुलिस प्रशासन उन्हें जाने नहीं दे रहा, जिसके चलते उन्होंने ऐलान किया कि अब कल से सभी किसान जनपद के थानों की तालाबंदी कर उनके मुख्य द्वारों पर ताला लगाएंगे। हमारे दो लड़के अंदर आ गए हैं, अभी बैठे हैं, तो 20-30-50 आदमी हम हैं भी यहाँ, और सारे ये लोनी बॉर्डर पर जा रहे थे, और ये थाना बागपत जो है ये अपना सीमा पता नहीं क्रॉस ही नहीं होने देता, इनके साथ क्या समस्या। अब तो हम एक ही बात सोच रहे, लोनी बॉर्डर पे तो हमें जान नहीं दे, दो बार रोक लिए, तो इस तरह बढ़िया तो हम यहीं बैठ लेंगे, जब हम कहीं जाते ही नहीं। बस यह बात भी हमने क्लियर कर दिया इनको, इंस्पेक्टर को यहाँ के, कि हम कहीं नहीं जा रहे।